पेपर डोसा बना है। मार दिया क्या? हे गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ कोदो मिलेट के डोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन कैसे प्रोसेस स्टार्ट करना है वहाँ से नहीं बताया था, तो आज मैं स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो ये है कोदो मिलेट। इस तरह के कंटेनर में मैंने सारे मिलेट्स रखे हुए हैं फ्रिज में। तो ये है कोदो मिलेट, और ये है उड़द की दाल, और ये है मेथी दाना। इन तीनों को मैं पहले मेजरमेंट कर लूँगी, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। कोदो मिलेट को मैंने एक कटोरी ले लिया है। जितना मैंने कोदो मिलेट लिया है उसका हाफ मैं उड़द की दाल लूँगी। उड़द की दाल मैंने ले ली है। उड़द की दाल के साथ ही मैं यहाँ मेथी दाना डाल दूँगी आधा चम्मच। अब इन दोनों को मैं दो दो बार वॉश कर लूँगी। अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी का इसमें कुछ खास रेशियो नहीं रहता है, क्योंकि डोसा वैसे भी पतला रहता है, तो ये जो कोदो मिलेट है ये पानी सोक नहीं करता है, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और ये दाल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि मॉर्निंग तक दाल अच्छे से फूल जाए, पानी उसमें सुबह तक रहे। अब दोनों को ओवरनाइट के लिए इसी तरह ढक्कन बंद करके रख देंगे। अब आपको मैं मिलती हूँ मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं और आज मैं फिर जा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। कल हम लोग गए थे वियाना स्पोर्ट्स, जहाँ मैचेस होने हैं, और एक दिन नहीं सॉरी दो दिन वहाँ मिला था प्रैक्टिस के लिए। एक दिन इवनिंग था जिस दिन मैं नहीं जा पाई थी, और कल हम लोग गए थे मॉर्निंग में। हाँ, हम लोग जाएंगे दो दिन और, लेकिन वो पेड रहेगा, 50 रुपीज़ पर मेम्बर पड़ेगा, यानी कि दो दिन जाएंगे तो 100 रुपये पड़ेंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं, पास में ही एक कॉलोनी है तो उसमें अच्छा बड़ा सा गार्डन है, तो वहाँ जाएंगे आज प्रैक्टिस करने, क्योंकि जब मैच खेलना है तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है। और हम लोग ने तो कभी ऐसा मैच खेला नहीं है, बस थोड़ा बहुत बैट उठा लेते हैं, और आप लोग ने तो देखा ही है कि दौड़ने में भी कितनी प्रॉब्लम होती, क्योंकि ये सब कभी किया नहीं है, प्रैक्टिस में है नहीं। तो मेरा तो ये दोनों हाथ इतना ज़्यादा दुख रहा है, मुझे लग रहा था आज मैं नहीं जा पाऊँगी। और मेरी योगा क्लास 8:30 बजे से है, तो मैं पहले वहाँ प्रैक्टिस करने जाऊँगी, उसके बाद आ करके अपना योगा करूँगी। तो आज जा रही है साथ में सृष्टि, तो साथ में जाने से का तो थोड़ा बहुत वीडियो भी बन जाता है, और मुझे गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ती है। प्रैक्टिस, बाय। अच्छा मौसम है आज भी, हाँ चले रहो, कहीं दिख जाएंगी भाई, ढूंढने में ही टाइम ना चला जाए। सब लिखा तो अच्छा चक्कर फार्म। हम लोग चैतन्य सिटी में, और ये हैं बहुत बड़े हनुमान जी। आप लोग भी सुबह सुबह दर्शन करिए हनुमान जी के। चलो आराम से चलना, गिट्टी गिट्टी है यहाँ। भाई पहुँच के अभी योगा भी करना है, और यही वाली रोड आए थे क्या? 9:30 बज गया है। आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, गए थे क्रिकेट खेलने और उसके बाद आकर योगा करें, तो आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी सूर्य नमस्कार में। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि मुझे योगा करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। मेरे को योगा करते हुए 15 दिन हो गए हैं, तो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो सोच रही हूँ इसको कंटिन्यू ही रखूँ। ये मेरा सेटअप रहता है योगा का, इस तरह पहले नीचे कालीन बिछाती हूँ, फिर इसके ऊपर योगा मैट, और सामने लैपटॉप, वहाँ पानी रखती हूँ, ऑनलाइन योगा कर रही हूँ। 1 घंटे का सेशन रहता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को एक मंत्र होता है आधा घंटे का, और संडे छुट्टी रहती है। कल मैंने आपको बताया था कि आज मैं मिलेट का डोसा बनाने वाली हूँ, तो अभी तो मैं उसको पीस करके रखूँगी, बनाऊँगी शाम को। रात भर मैंने ये सोक किया था। ये है दाल,
और इसमें पड़ी हुई है मेथी दाना और ये है कोदो मिलेट। पहले इनका पानी निकाल लूँगी और जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डाल डाल करके पीसूँगी। अभी इस पानी को साइड में रख देते हैं। अब एक मिक्सी के जार में मैं कोदो मिलेट को और दाल को दोनों को डाल करके पीस लूँगी। जो पानी निकाला था इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। बहुत अच्छा बैटर बना है, पतला सा, क्योंकि हमको डोसा बनाना है। अब इसको मैं शाम तक के लिए ढक करके कहीं गर्म प्लेस में रख दूंगी। तो मैं इसको रख रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर। बाय। क्या हो गया? नहीं अच्छा, गेट वेल सून अपनी तरफ से बोल देंगे। हम लोग जा रहे हैं भाई, बाय। पता है मेट्रो हॉस्पिटल कहाँ है? अस्थी को पता है? तुमको पता है? तो नहीं पता। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अस्तित्व मेट्रो हॉस्पिटल। क्या दिखाने जा रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं दिखाने जा रहा, वो वहाँ पे एडमिट है, उनके पास रुकना है मेरे को रात में। अच्छा तुम रात भर रुकोगे? हाँ। तो रात में तू क्यों रुक रहा है? क्योंकि एडी भी अकेले नहीं। अभी कोई है वहाँ? चाची होंगी या फूफा जी होंगे। अच्छा अच्छा, फ्लाईओवर ही तो बन रहा होगा वो मेट्रो। हाँ है। मेट्रो पर। मेट्रो प्राइम। मेट्रो हॉस्पिटल आए। श्रेय का फ्रेंड है, उसकी एक सर्जरी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी सर्जरी है। तो मैं मार्केट आई थी तो ये लोग आए तो मैं भी साथ में आ गई। आई गिव कंसेंट कि मैं अलका गुप्ता ब्लॉग में आ सकता हूँ। व्हाट्सअप, मेरी हुई है सर्जरी, लेट्स गो गैंग। ये थोड़ा सा वो मुकेश जैसा नहीं लग रहा? मेरा नाम मुकेश है। हाँ कर कर, अब कर अगर बेस्ट रिएक्शन यही है। कोई और दूसरी हो तो दिखा दीजिए। जोड़ी चप्पल तो ले लिए, दूसरी लेने गए हैं, देख लेते हैं मिल जाती है। टाइम तो बहुत हो गया, 9 बजने वाले हैं। बाप रे, हम लोग भूल गए थे रास्ता 2 बार, वहीं वहीं घूम करके आ गए वापस। तो बस सोचा चप्पल भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। पहनते हैं ना हम इतने दिन से, इसलिए पता है सॉफ्ट नहीं है। कितनी बड़ी चप्पल। अभी जस्ट आए हम लोग भाई, और चम के प्यास लगी तो पहले पानी पिए। और टाइम देखिए 9:30 बज गया है। क्या कर रहे हैं जी तुम? ऊपर पहुंच गई क्या छिपकल? क्यों बाप रे, छिपकल ही मार दिया। गर्मी का टाइम है ना, बहुत छिपकली रहती है। खाना कुछ भी अभी नहीं बना, शाम को डोसा बनाने वाले थे, देखते क्या हाल है। सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, अचानक ही हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। बहुत खमीर उठ गया है, बहुत अच्छे डोसे बनेंगे। अब फटाफट मैं इससे डोसा बनाऊंगी और नारियल की चटनी। मार दिया क्या? मार दिया? भाई कितना हल्ला मचा रहे, एक छिपकली से हड़कंप मचा हुआ है। ये पानी वाला नारियल है, लहसुन, ये हरी मिर्च, अब इसको पीस लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ भुनी हुई मूंगफली, उसको पहले मैंने पीस के रखा हुआ था। नमक, पानी डाल देंगे, फिर से पीस लेंगे। ये नारियल की चटनी रेडी हो गई। डोसे के बैटर में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा चढ़ा दिया है। थोड़ा सा बैटर पतला है इसलिए बहुत पतला डोसा बना है, बिल्कुल पेपर डोसा बना है। मैंने गैस को बंद कर दिया, डोसा रेडी हो गया। और टाइम देखिए कितना बज गया, 10:15। आज सुबह से इतना ज़्यादा बिजी थी। तो चलिए अब ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।